असामयिक वर्षा ओला वृष्टि से किसानों का अपनी फसल को कृषि मंडी में शासकीय योजना अंतर्गत तय समर्थन मूल्य पर विक्रय करने में अत्यधिक परेशानी होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग रखते हुए सेवा सहकारी समिति कुम्हारी में जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष निश्चल वाजपेयी द्वारा किसानों एवं किसान मोर्चा, युवा मोर्चा तथा भाजपा समर्थकों के साथ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए समिति प्रबंधक रामजी चंदेल को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाध्यक्ष वाजपेयी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शासन द्वारा किसानों के कष्टों को देखते हुए समर्थन मूल्य पर खरीदी करने हेतु निर्धारित समय सीमा को 15 तक बढ़ाया जाए ताकि दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले किसानों को फसल विक्रय करने में मदद मिलेगी। किसानों से किए गए वादों के अनुसार बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि रबी की फसल का उत्पादन किया जा सके। वहीं ओलावृष्टि और असामाजिक वर्षा से किसानों को हुई आर्थिक क्षति के लिए क्षतिपूर्ति राशि शीघ्र वितरित किया जाए, अन्यथा भाजपा किसान मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन एवं उग्र आंदोलन किया जाएगा। बहुत से बिजली का कनेक्शन दिया जाए और इसके साथ साथ रबी फसल में ये जो पानी और खरा से जो बर्फ गिरा इससे बहुत नुकसान हुआ है तो उनको तत्काल प्रभाव से चेतावनी करके और मुआवजा दिया जाए। ये केवल बयानबाजी कर रहे हैं, किसी किसान को मुआवजा की कोई प्रक्रिया हो नहीं रही है। आगे की आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इसके? हम लोग ने आज ये एक सांकेतिक धरना दिया है और ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम में कि 3 दिन के अंदर आप जो है किसानों की समस्या का हल करिए और नहीं तो फिर तो आंदोलन और उग्र होगा। जिला भिलाई भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष की अगुवाई में इस विरोध प्रदर्शन किसान और भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र।